We were discussing about relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि बोट और रिवर वाले जो प्रॉब्लम हैं, इट वाज नॉट वेरी क्लियर. एनीवे, वी कैन नॉट कीप ऑन ड्वेलिंग, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये. रिलेटिव जो चीजें चलती हैं उससे रिलेटेड अगर आप जनरली कोई सा भी लिटरेचर पढ़ोगे तो यू आर बाउंड टू गेट कंफ्यूज एट सम पॉइंट. बट स्टिल आई विल गिव वन मोर ट्राई टू समहाउ एक्सप्लेन और कन्विंस टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन द केस ऑफ अ रिवर एंड बोट प्रॉब्लम. क्योंकि रिवर और बोट की प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से थोड़ी सी हटकर, लेट मी एक्सप्लेन कि ये बाकियों से अलग क्यों है. चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है, लेट अस से अ पार्टिकल ए इज मूविंग एट अ वेलोसिटी वी ए इन दिस डायरेक्शन एंड अ पार्टिकल बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इफ ए एंड बी आर मूविंग लाइक दिस, तो पहली चीज तो हमको ये समझनी है कि वी ए और वी बी किस चीज को बोला जा रहा है. इफ यू आस्क ए कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो अपनी स्पीडोमीटर में देखेगा. सपोज दोनों बाइक चला रहे, ठीक है, वो अपनी स्पीडोमीटर में देखेगा और वो बोलेगा कि मैं तो रोड पे चल रहा हूँ. ऑब्वियस सी बात है, तो रोड पे चलते चलते बाइक के स्पीडोमीटर पे जो स्पीड देखोगे वो उसकी स्पीड होनी चाहिए. क्या वो वी ए होगी क्या? यस, इस केस में होगी. सो लेट अस से यू आस्क्ड द राइडर ए हु इज राइडिंग ऑन अ बाइक एंड गोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑन अ रोड कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है. सो ही टोल्ड यू दैट माई वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर. देन यू कॉल्ड राइडर बी, ही इज ऑल्सो राइडिंग ऑन हिज बाइक बट इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बट राइडिंग ऑन द सेम रोड. सपोज ये बड़ी सी एक रोड है, ऐसे चल रही है. इस रोड पर ये दोनों राइडर्स अपनी बाइक चला करके ऐसे जा रहे हैं, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है. सो यू कॉल्ड अप राइडर नंबर बी एंड आस्क्ड हिम कि आप बताओ स्पीडोमीटर में क्या रीडिंग है. यही पूछ सकते हो आप. अगर स्पीडोमीटर नहीं होगा तो राइडर को पता भी नहीं लगेगा व्हाट इज द स्पीड. सो ही डिक्लेयर्ड माई वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कैन आई से दैट वी ए इज एक्चुअली 50 एंड वी बी इज एक्चुअली 60, और इज दिस जस्ट अ फीलिंग ऑफ द राइडर एंड दैट इज नॉट ट्रू एंड देर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस. रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप किसी चीज के रिलेशन में अपनी स्पीड को जज करो, या कोई तीसरा आदमी से पूछो कि भाई जरा बताओ किसी चीज के रिलेशन में. सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू मेक अ पर्सन स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड आस्क हिम टू सी द मोशन ऑफ बाइक ए एंड ऑल्सो ऑफ बाइक बी एंड देन आस्क दिस पर्सन कि आप बताइए कि ए किस स्पीड से जा रहा है और बी किस स्पीड से जा रहा है. बट इन दिस केस सिंस द राइडर्स आर राइडिंग ऑन अ रोड एंड द रोड इटसेल्फ इज स्टेशनरी एंड द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड सिंस ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द रोड और ऑन द ग्राउंड विच इज एज स्टेशनरी एज द रोड इटसेल्फ. तो ये आदमी, रोड और साइड ऑफ द रोड, ये तीनों चीजें स्टेशनरी हैं. तो इससे अगर आप पूछोगे कि ए की वेलोसिटी क्या है, तो ये आपको ट्रू वेलोसिटी बताएगा, दैट विल बी वी ए. और ये जो आदमी बी की वेलोसिटी देखेगा वो बताएगा एक्चुअल वेलोसिटी बी बी. बट इन दिस केस ही विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर कि हाँ भाई आपसे पहला आदमी सही बोला था, वी ए जो है वो 50 है और वी बी जो है वो 60 है. सो ईच राइडर वॉज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग. तो आप बोलोगे कि जब ये चीज हमने स्पीडोमीटर में जब देख ली तो बाहर खड़े आदमी से पूछने की जरूरत कहाँ पड़ी. इसका अभी एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तब क्लियर हो जाएगा कि
कि स्पीडोमीटर की रीडिंग कब गलत होती है। ठीक है, एनीवे यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या आपको? अभी अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी की बात ही नहीं की है, बट वन कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। कभी भी अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात करूं, तो अब ये वर्ड याद रखो, देखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है इन रिलेशन टू समथिंग दैट इज नॉट मूविंग। तो जैसे कि रोड मूव नहीं कर रही है, तो रोड के रिलेशन में ए की जो वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए हो गई, एंड यू सिंपली डिक्लेयर इट एज वी ए। और उसी तरीके से एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी हो गई वी बी, एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन डिक्लेयर्ड एज 50 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी को डिक्लेयर करने वाला कौन होता है? चलाने वाले से कभी नहीं पूछना चाहिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है? क्योंकि इस केस में तो चलो किस्मत से सेम आंसर दे दिया उन्होंने, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमेशा एक एब्सोल्यूट आदमी से पूछना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब जो कि यूनिवर्सली बिल्कुल शांति से खड़ा हो, बाकी पूरी दुनिया इधर से उधर चल रही हो, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हो, सिर्फ वो ही आदमी आपको करेक्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। क्योंकि वो खुद खड़ा है तो अपनी उसकी खुद की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वो अपनी रिलेटिव से जब दूसरी चीजों को देखेगा तो अपनी वेलोसिटी माइनस करने की कोशिश करेगा दूसरों की वेलोसिटी में से, तो उसकी वेलोसिटी खुद की चूंकि जीरो है तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी देख रहा होगा किसी भी दूसरे चलते ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? मैं एक बार समराइज कर देता हूं अभी जो 5-10 मिनट में मैंने बात कही है। द थिंग दैट आई हैव सेड इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज दैट वेलोसिटी विच इज ऑलवेज टेकन इन रिलेशनशिप और रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग स्टिल आउटसाइड द मोशन, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर बैठा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा स्टैंड स्टिल पे होना चाहिए। और उसी से ही आप पूछ सकते हो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स की क्या है। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? एनीबडी हु वाज लिसनिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी कि ये चीज क्लियर हो गई। सर ठीक है, सर एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात क्लियर हो गई। अब अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा फ्रेश ड्रॉ करें, ये वही रोड चल रही है, मोटरसाइकिल ए जो है वो इधर को जा रही है, मोटरसाइकिल बी थोड़ा कोने को आ रही है। बोथ हैव देयर ओन एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एंड नाउ वी नो द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें इस कहानी का ये वाला हिस्सा ना भूलें कि इन दोनों बाइकर्स से भी पूछी गई थी, हालांकि हमको पता है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने के लिए इनसे नहीं पूछना चाहिए, किन से? ए से और बी से मत पूछो, क्योंकि वो तो खुद चल रहे हैं, उनसे क्या पूछोगे? बट टेक्नोलॉजी हैज गिवन देम सम एडवांटेज, उनकी बाइक पे स्पीडोमीटर लगा है, और स्पीडोमीटर जो है वो ए का बोल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, और बी का जो बोल रहा है वो बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों के स्पीडोमीटर की रीडिंग इन्होंने बता दी। अब आप बी से जाकर के ये पूछो कि तू ए की तरफ देख और ये बता कि ए की स्पीड क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा तभी आती है जब किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट का हाल पूछा जाए। तो अगर आप ए और बी को देखो, दोनों चल रहे हैं, दोनों मूविंग हैं, तो अगर ए से बी का हाल पूछो और बी से ए का हाल पूछो, ये दोनों केसेस रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस बन गए। ठीक है, सो यू से कि वी ए ऑब्लिक बी का क्या मतलब है? क्वेश्चन किससे पूछा गया, बी से पूछा कि ए से पूछा? सर ए से नो, ऑब्लिक के बाद जो आता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूं कि वी बी ए या फिर इसको वी बी ऑब्लिक ए लिखूं, तब क्वेश्चन ए से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसको कैसे रीड करते हो? दिस क्या इज आपने बी से पूछा है इसलिए वेलोसिटी ऑफ ऑफ बी? बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो विथ रिस्पेक्ट जिस पे आता है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी से पूछ रहे हो कि तुम देख के बताओ ए की वेलोसिटी क्या है। अब बी जो है वो अपनी बाइक पे बैठ के चल रहा है,
लेकिन उसको खुद की वेलोसिटी स्पीडोमीटर पे अगर वो नहीं देखे तो उसको अपनी स्पीड का कोई आभास ही नहीं होगा। उसको क्या लगेगा, मेरे बाइक की हैंडल तो मेरे हाथ में ही है, मैं अपने बाइक की सीट पे बैठा हूँ, मेरे बाइक का जो पेट्रोल टैंक है मेरे सामने ही मुझे दिख रहा है, स्पीडोमीटर भी सामने दिख रही है, क्या ये चीजें चलती नजर आ रही है क्या उसको? नहीं, उसकी बाइक उसके साथ ही है, बाइक और वो दोनों चल रहे हैं, तो उसको एक तरह से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको पता ही नहीं लग रहा कि दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है। इतना आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। हालांकि आप बिल्कुल लिटरल सेंस में लोगे तो बोले यार ये क्या बात कर रहे हो, बाइक चलाते हुए आदमी को क्या पता नहीं लगेगा कि वो चल रहा है क्या? बिल्कुल पता लगेगा चल रहा है, लेकिन उसको उसकी बाइक तो उसके हाथ में ही नजर आ रही है ना। हिज बाइक इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम हिम और मूविंग क्लोजर टू हिम, दे आर स्टक टूगेदर। अब वो अपनी बाइक पे खड़ा होकर के या बैठ करके जब बाहर देखेगा, एक ही तरफ देखेगा, तब उसको ए चलता हुआ नजर आएगा रिलेटिवली, किसके, अपनी खुद की वेलोसिटी के, बी की वेलोसिटी के रिलेटिवली चलता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बी ऐसा आभास कर रहा है कि मैं तो नहीं चल रहा लेकिन ए चल रहा है, तब वी ए बी आता है। जब ए आभास करता है कि मैं तो नहीं चल रहा लेकिन बी चल रहा है, तब वी बी ए आता है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का। और इसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर नोटेशन में मैथमेटिक्स सिर्फ इतना कहती है कि ये, हालांकि बात करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है, बट वेक्टर इक्वेशन इज वेरी सिंपल। वी बी ए इज सिंपली वी बी माइनस वी ए एंड वी ए बी इज सिंपली वी ए माइनस वी बी। बस इतनी सी इक्वेशंस हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स है ही नहीं। बाकी बातें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाली हैं, और थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर लो समझ के तब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं, अब ये ध्यान से सुनना। एक रोड है, उस पे एक राइडर चल रहा है विद अ वेलोसिटी वी ए, राइडर का नाम है ए, रोड का नाम है आर, ठीक है, रोड का भी नाम दे दिया अपन ने। सबसे पहले मेरे को ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रोड कितनी है, एनीबडी, व्हाट इज जीरो, शर्तीय रूप से जीरो किलोमीटर पर आवर है। लेट अस से वेलोसिटी ऑफ राइडर ए इज 50 किलोमीटर पर आवर अगेन। अब मैं एक चीज करना चाहता हूं, क्या मैं अभी तक को आपके समझाए हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ राइडर ए विथ रेस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राइडर ए माइनस वेलोसिटी ऑफ रोड, बट सिंस वेलोसिटी ऑफ रोड इज ऑलरेडी जीरो, आई गेट velocity of rider A with respect to road is nothing but velocity of rider A itself। यानी कि अब ये एक ऐसा केस बना दिया जिसमें relative velocity और absolute velocity एक ही चीज निकल के आ गई। अभी जो मैंने यहां पर काम किया है इसमें कोई भी डाउट है क्या आपको, ये बता दो आप? नो सर, ये तो 100% क्लियर हो गया, मुझे भी लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां से आपकी क्लैरिटी बेहतर होती जानी चाहिए, आई प्रिज्यूम दैट, ठीक है। तो अपन जब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए से ही पूछें, बोले कि भाई तो अब अपनी स्पीडोमीटर देख और स्पीडोमीटर में ये देख करके मुझे बता कि तेरी स्पीड कितनी है। अब की बार आपने क्या किया, आउटसाइड ऑब्जर्वर से नहीं पूछा जैसे पूछना चाहिए था, आपने चलते आदमी से ही पूछ लिया, कोई बात नहीं उसके पास स्पीडोमीटर है, तो उसने स्पीडोमीटर में भी देख के यही बोला कि मेरी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें और मुझे ये बताओ कि अगर चलते आदमी से उसकी खुद की स्पीड पूछ रहे हो तो आप वी ए ऑब्लिक आर पता कर रहे हो या वी ए पता कर रहे हो? अगर चलता आपको रिस्पॉन्स दे तो वी ए, वी ए नहीं बताया उसने, मैंने यहां पर आपको क्लियर किया था वी ए का एक्चुअल रिस्पॉन्स कौन देगा, वी ए एब्सोल्यूट है
और एब्सोल्यूट का रिस्पॉन्स सिर्फ बाहर खड़ा हुआ आदमी ही दे सकता है। यहां पर अपन ने ये जो केस बनाया इसमें वी ए वी ए ऑब्लिक आर के बराबर मैग्नीट्यूड में आ जाती है, लेकिन हर बार नहीं आएगी, इस बार आ गई, हर बार नहीं आएगी। तो आप अगर चलते हुए आदमी से पूछ रहे हो तो वो सिर्फ रिलेटिव ही जवाब दे सकता है, और आपका जवाब एब्सोल्यूट से मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में दूसरे भाई की वेलोसिटी जीरो थी, इसीलिए बराबर हो रहा है। यानी रोड की वेलोसिटी चूंकि जीरो है तो इसीलिए उस रोड पे चलते हुए आदमी को अगर स्पीडोमीटर में देख के स्पीड पूछा जाए तो उसका जवाब एब्सोल्यूट वाले के जवाब से मेल खाएगा। बस इतना समझना है आपको। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? और वापस से क्लियर कर दूं, चलते हुए आदमी से कभी भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का आंसर नहीं पूछा जा सकता, और पूछ रहे हो तो तुक्का लगा रहे हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। वो स्पीडोमीटर देखे, चाहे दिव्य शक्ति से बताए, चाहे कैसे भी बताए, उसका आंसर हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ही होगा, क्योंकि वो चल रहा है। जो स्थिर नहीं है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको यहां तक, ये बताओ। अभी क्या नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने कि चलता हुआ आदमी हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी आंसर में देता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दे सकता। कुछ केसेस में जहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी सेम भी हो सकती हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। रोड की वेलोसिटी जीरो थी, तो अब आप बाइकर से अगर उससे पूछो कि बता तेरी वेलोसिटी कितनी है, तो बेसिकली आप एक छुपा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि बता तेरी वेलोसिटी रोड के रेस्पेक्ट में कितनी है, यू आर एक्चुअली आस्किंग दैट, क्योंकि बाइकर सिर्फ इसी का ही जवाब दे सकता है, बाइकर एब्सोल्यूट का जवाब है ही नहीं उसके पास। अब रोड के रेस्पेक्ट में पूछा है, रोड की वेलोसिटी जीरो है, तो फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बराबर ही आंसर आएगा उसका। सो वी ए ऑब्लिक आर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वी ए, ठीक है। उसी तरीके से अब आप इस रोड पे कितने भी बाइकर्स को छोड़ दो, कितनी भी कार, ट्रक, ट्रेन, ट्रैम, कुछ भी छोड़ दो, अलग अलग वेलोसिटी से सब अपने अपने अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, हर किसी के पास में अपनी स्पीडोमीटर है, लेकिन सारे के सारे उसी रोड पे चल रहे हैं जिसकी की वेलोसिटी एब्सोल्यूट जीरो है। तो अब अगर हर ड्राइवर अपने अपने स्पीडोमीटर में जांच करे तो वो आंसर तो रिलेटिव का दे रहा है, लेकिन चूंकि रोड खड़ी है और रोड चल नहीं रही तो उन सब के रिलेटिव वेलोसिटीज का आंसर उनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज के बराबर आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको अभी? यस सर, अभी तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब अपन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, कोई भी डाउट हो तो बता दो, वरना इसके आगे जाके मतलब नहीं है। यहां तक क्लियर है ना? शैल वी मूव? यस सर। अब एक नया केस दिला रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपको एक्सेस इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। अब मैंने रोड को पहिए पहना दिए, यू सी ये रोड है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी पॉसिबल है। एक बहुत बड़ी सी ऑब्जेक्ट के नीचे पहिए लगा के उसको धीरे धीरे चलाया भी जा सकता है। सो नाउ यू हैव टू एज्यूम दैट द रोड इटसेल्फ इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, लेट अस से ये इसका डायरेक्शन है, और रोड पे चलने वाले जो बाइक, ट्रक, कार हैं, उनको पता नहीं लग रहा कि रोड चल रही है, क्योंकि रोड इज अ वेरी बिग, सपोज ये बहुत बड़ा हाईवे है। आप, मैं मानता हूं आप ऐसे हाईवेज पे गए होंगे जिसके बीच में खड़े होंगे तो दूर दूर दिखते हैं किनारे। तो सपोज ऐसी बहुत चौड़ी, एक लंबी और चौड़ी हाईवे है, एंड जस्ट ट्राई टू एज्यूम दैट द हाईवे इटसेल्फ इज मूविंग। भाई जैसे आप धरती पे खड़े हो, धरती खड़ी हुई है क्या? धरती स्थिर है क्या? नहीं है ना, धरती घूम रही है, बहुत तगड़ी वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन क्या आपको धरती का मोशन फील होता है क्या? नहीं होता। तो वैसा ही एक सीन अज्यूम करो कि एक बाइकर जो है एक रोड पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे को जा रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि रोड चल रही है। रोड खुद नीचे आपने बहुत बड़े बड़े पहिए लगा दिए हैं
और रोड को खुद को चला रहे हो उसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से, जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, और अब इस पूरी कहानी को देख रहा है एक बाहर खड़ा हुआ आदमी। तो ये बाहर खड़ा हुआ आदमी अब आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, किसी की भी बता देगा, क्योंकि ये खड़ा है। ये कहाँ खड़ा है? ये इस चलती रोड पे नहीं खड़ा, चलती रोड के बाहर खड़ा है। तो यानी कि ये आदमी और ये आदमी जिस जमीन पे खड़ा है वो दोनों स्टेशनरी हैं। दे आर बोथ स्टैंडिंग स्टेशनरी। तो जो आदमी स्टैंडिंग स्टेशनरी है उससे पूछा जाए तो वो करेक्ट एब्सोल्यूट वेलोसिटीज का आंसर देगा। अब आप अपनी नॉलेज लगा करके मेरे को ये बताओ, मैंने इस आदमी से पूछा, भाई साहब वेलोसिटी ऑफ रोड बता दो, इसका जवाब क्या होगा? लुक एट द फिगर एंड गिव मी द आंसर। क्योंकि ये रोड को भी चलता हुआ देख रहा है और रोड पर चलते हुए आदमी को भी देख रहा है। सर 10 बिल्कुल कोई शक की बात ही नहीं रही, इसको 10 किलोमीटर पर आवर नजर आएगा और यही एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रोड है। तो वी आर वेक्टर मिल गया अपने को, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बाइकर कितनी है, इससे पूछा गया, भाई साहब वेलोसिटी ऑफ बाइक कितनी नजर आ रही है आपको? अब थोड़ा सोच के जवाब देना। अच्छा ये भी थोड़ा और क्लैरिटी कर देता हूँ आपको, ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या चीज है? ये 60 किलोमीटर पर आवर इसके स्पीडोमीटर में दिख रहा है। ये किसको दिख रहा है? इस आदमी को दिख रहा है, बाइक वाले को दिख रहा है। अब बाइक, चलती बाइक का स्पीडोमीटर इस आदमी को तो नहीं दिखेगा, खड़े हुए आदमी को। ये अपने हिसाब से जज करेगा कि ये खुद कितनी स्पीड से जा रहा है और रोड कितनी स्पीड से जा रही है, ये बता देगा, लेकिन इसको स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा। स्पीडोमीटर किसको दिख रहा है? बाइक चलाने वाले को दिख रहा है, ठीक है। और ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीडोमीटर रीडिंग ऑफ द बाइक, ठीक है। अब बताओ कि बाहर खड़े आदमी से पूछा, ये सब कुछ नाप सकता है, ये बाइक चलती भी देख रहा है, रोड चलती भी देख रहा है, VB कितनी दिखेगी इसको, कितनी गति से बाइक जाती हुई नजर आएगी? 70 एब्सोल्यूटली करेक्ट। इस आदमी से पूछा तो ये जवाब देगा, वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 70 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको दिख रहा है कि रोड खुद 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और उस रोड पर जो आदमी है वो 60 की रफ्तार से जा रहा है। तो टोटल वेलोसिटी इसकी 10+60 हो गई, तो इस आदमी को ये 70 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ नजर आएगा ये आदमी। लेकिन जो बाइक चला रहा है वो बिल्कुल इन सारे मंजरों से मुक्त है, वो बिल्कुल खुश होकर के गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है और वो ये सोच रहा है कि मेरी स्पीड 60 है, स्पीडोमीटर पे 60 बोल रही है। अब देखो, अब यहां पर वो केस आ गया जहां पर आपकी स्पीडोमीटर आपकी एक्चुअल गति नहीं बता रहा। तो अब ये बताओ, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये आखिर है क्या? तो आपको दो चीजें तो मिल गई, वी आर इज 10 एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 70। तो ये बताओ ये 60 क्या चीज रही फिर? बॉडी वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रेस्पेक्ट टू रोड। यस। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, दिस मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ बाइक रिलेटिव टू रोड, दिस इज 60। अब देखो सारी इक्वेशंस आपके अपने आप लाइन में बैठ गई। रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी सिनारियों में हमेशा ये इक्वेशन बियर करती है, वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रेस्पेक्ट टू रोड मस्ट बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ रोड। ये तो फिक्स है। अब आपने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ बाइक 70 है, वेलोसिटी ऑफ रोड 10 है, तो यही हुई ना 60। तो अब कुल मिलाकर के कहानी को मैं दूसरे एंगल से आपको समझा रहा हूं। ये बोल रहा हूं कि अगर चलते हुए आदमी से स्पीडोमीटर की रीडिंग पूछी जाए तो वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। अब आपको क्लियर हो गया क्या ये द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर, क्लियर। अब अपन चलते हैं
बोट और रिवर पे। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अब मेरे ख्याल से बोट और रिवर के कॉन्सेप्ट के काफी नजदीक आ गए हो आप। नाउ वी टेक अ रिवर। द रिवर इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ वी आर एंड देर इज अ बोट इन इट। द बोट ड्राइवर इज स्टैंडिंग इनसाइड द बोट एंड ड्राइविंग द बोट and he is looking at his speedometer and he sees a velocity of boat equal to 20 km per hour, velocity of river is let us say 5 km per hour. ab mere ko ye batao ye maine sahi likha hai kya, velocity of boat ek hai 20? no sir no, ye kya cheez hai, ये velocity of boat with respect to river. This is velocity of boat with respect to river. This is 20 km per hour. लेकिन क्या ये बात बोट वाला विश्वास करेगा क्या? बोट वाले से पूछा है आपने जाकर के, बताओ यार तुम्हारे स्पीडोमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, बोट किस गति से जा रही है? वो फटाक से देखेगा, बोलेगा कि 20 किलोमीटर से चला रहा हूँ साहब मैं तो मतलब उससे पूछा कि एक बार कंफर्म कर लो, मतलब तुम्हारी स्पीड 20 है? बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल 20 है, लेकिन ये गलत बात बोल रहा है ना, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है आपको। ये अपने तरफ से तो सही बोल रहा है लेकिन आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी 20 नहीं है, तो अब बताओ इसकी वेलोसिटी एक्चुअली कितनी है बोट की? 50 के लिए बाहर जाना पड़ेगा आपको, यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड एंड देन आस्क दिस गाय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रिवर, अब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हुई? 25 25 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 15। क्यों? अब आप इस केस को बिल्कुल वैसे केस से कंपेयर करो जो ऊपर किया आपने। आपको मैंने एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट बताया कि रोड को पहिए बना दिया अपन ने और रोड को चला रहे हैं, तो क्या ये चलती हुई रोड और बहती हुई रिवर एक चीज नहीं हो गई क्या? क्योंकि अगर आप इस चलती हुई रोड पे बाइक वाले से बोलो कि भाई तू बाइक बंद करके खड़ा हो जा, यहां खड़ा हो जा बस चल मत, तो बाइक वाले की स्पीड कितनी हो गई तब बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बाइक बीबी? 10। उस केस में 10 हो गई, यानी कि बेसिकली ये बात हो गई कि नहीं हो गई, वेलोसिटी ऑफ बाइक बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रोड। तो क्या ये चीज इधर लागू नहीं होगी कि अगर आप बोट वाले से बोलो कि भाई तू इंजन बंद कर दे और बिल्कुल शांत खड़ा हो जा, नदी के अंदर खड़ा हो जा तू बस, तो बोट वाले को तो लगेगा कि मैं तो खड़ा हो गया, लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई क्या? स्पीडोमीटर तो जीरो दिखा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर हो जाएगी क्योंकि रिवर उसको ले जाएगा आगे और रिवर की वेलोसिटी फिक्स है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे केसेस में आपको यह समझना है कि जो राइडर है उसकी दो वेलोसिटीज है, एक तो वो खुद अपने को वेलोसिटी देता है और एक उसकी जमीन खुद चल रही है। अब इस केस में इसकी जमीन इसका रिवर है, तो ऐसे केसेस में इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी जो कि इस आदमी को दिखेगी, वो दिखेगा कि भाई रिवर तो खुद 5 की स्पीड से चल रहा है और उसके ऊपर एक आदमी 20 से और चल रहा है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी 25 हो जाएगी, 20-5 नहीं होगी। 20-5 कब होगी? जब बोट वाला इधर को चले, व्हेन ही मूव्स इन दिस डायरेक्शन एट 20 एंड द रिवर इज मूविंग एट 5, then the absolute velocity of the boat will become 15. ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों को सबको, ये बता दो। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। सर हाँ पूछो। सर एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी सेम ही है ना? हाँ, अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी कभी बोल दूं तो आप समझ लेना कि मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है? यस सर। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो और अब पढ़ के बताओ कि क्या कोई गलत स्टेटमेंट लिखा है या कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रही है क्या ये जो मैंने किया है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू आर और VBR इज द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। ठीक है, वो तो पता है हमें।
दिस इज द वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन स्टीयरिंग द बोट. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बोट चलाने वाले आदमी को जो लगता है कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूं, वो ही VBR है. ये देख लो, यही बात हो गई ना. आपने उससे पूछा था कि भाई तू बता कितने स्पीड से जा रहा है, तो उसने बोला मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 25 थी. और ये 20 जो उसने बोला वो VBR बताया था. तो ये बात अब क्लियर होगी कि नहीं हो गई कि कभी भी चलते हुए आदमी से, मतलब बोट चलाने वाले से अगर पूछो कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो वो हमेशा VBR बताएगा. वो ही बता सकता है और वो कुछ बता ही नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है. इट्स डायरेक्शन इज दैट ऑफ द फ्रंट पॉइंट ऑफ द बोट एज सीन बाय द स्टीयरिंग पर्सन. अब इसमें डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं. अब ये बोला कि भाई नदी में तो जरूरी थोड़ी है कि या तो नदी के उल्टा चलूं या नदी के साथ चलूं, टेढ़ा भी तो जा सकता हूं. बिल्कुल जा सकते हैं, ये नदी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, लेट अस से. अब बोट चलाने वाला यूं भी तो बोट ले जा सकता है, लेकिन अब ये जो बोट का जो डायरेक्शन है, मैं ये कह रहा हूं कि बोट वाला यूं ले जा रहा है बोट को. अब डायरेक्शन की बात भी वैसे ही करेंगे. ये जो डायरेक्शन है ये बोट के चोंच की डायरेक्शन है, जैसा कि बोट चलाने वाले ने बोट को दिशा दी है अपने स्टीयरिंग व्हील से. तो ये दिशा भी VBR होगी, क्योंकि ये भी बोट वाले को लग रहा है. एक्चुअल डायरेक्शन ये है क्या? नहीं है. एक्चुअल डायरेक्शन ये होगी बोट की चोंच यों खड़ी है और रिवर उसको यों ले जा रही है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा, इस डायरेक्शन में एक्चुअली बोट जाएगी, लेकिन बोट की चोंच यूं है बस. तो बोट वाला सोच रहा है कि मैं यूं जा रहा हूं, लेकिन वो जा कैसे रहा है? वो यूं जा रहा है. क्यों? क्योंकि रिवर भी उसको सहयोग दे रही है इस डायरेक्शन में. तो ये है खेल बोट और रिवर का. तो वी बी ऑब्लिक आर डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, दोनों में वो एहसास या वो फीलिंग है जो बोट चलाने वाले को मिलता है. और ये क्या चीज है? जो सच्चाई है वो VB है. तो ये हो गया VR, ये हो गया VB/R, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया सच्चाई या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आउटसाइड. इसको दिखेगा कि ये गधा तो सोच रहा है कि ये यूं जा रहा है, लेकिन ये जा कैसे रहा है? ये यूं जा रहा है. ये किसको दिखेगा? ये बाहर खड़े हुए आदमी को दिखेगा. तो ये है इसकी कहानी. ठीक है, अब उसी तरीके से इसको थोड़ा और क्लियर करें. एक बोट वाला बोलता है मैं अपनी बोट को बिल्कुल सीधे क्रॉस कराने जा रहा हूं रिवर को. ठीक है, और रिवर चल रही है VR वेलोसिटी से. तो ये बोल रहा है कि देखना, बाहर खड़े हुए आदमी से बोला देखना मैं ना सीधे क्रॉस करने जा रहा हूं रिवर को. ठीक है, तो बोला ठीक है चल तू जा. तो बोट चलाने वाले को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन बाहर खड़े हुए आदमी को दिखेगा सच्चाई क्या है. वो देखेगा कि ये चला तो यूं रहा है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इसको थोड़ा सा आगे बहा करके कहां ले आई, यहां ले आई. तो इसको दिखा ये सच्चाई कि एक्चुअली ये गया कैसे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं गया, ये तो यूं गया क्योंकि रिवर ले गई इसको आगे. और चलाने वाले को क्या लग रहा है? चलाने वाले को लग रहा है मैं तो सीधे जा रहा हूं, मैं तो इधर मुड़ा ही नहीं, ये एंगल कहां से आया, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के चला रहा हूं बोट को. लेकिन इनको नहीं पता जो बोट चला रहे हैं कि उसकी बोट बह करके यूं हो गई. सो दिस इज द गेम VB/R, VR, and VB. एंड वंस अगेन रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट लगाओ तो ये देखो ट्राइंगल लॉ लगा लो. VBR इस डायरेक्शन में, VR इस डायरेक्शन में और VB इस डायरेक्शन में. अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ VB कम्स आउट इक्वल टू VR प्लस VB/R. या फिर रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में रख लो VB/R इज नथिंग बट VB-VR. देख लो वही सेम चीज आ गई घुमा फिरा करके. ठीक है,
तो अब आपको क्या याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर क्या है, बोट वाले से पूछो, वेलोसिटी ऑफ बोट या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, बाहर खड़े आदमी से पूछो, बस इतना सा करना है। तो अब एक चलती रिवर में एक आदमी अपनी बोट को यों ले जा रहा है, ठीक है, ही इज ड्राइविंग द बोट इन दिस डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, उसको लग रहा है कि वो यों चला रहा है, तो ये क्या हो गई, ये VBR हो गई, ये VB नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई क्या आपको, बोट और रिवर के कंफ्यूजन हो सकता है शायद 100% तो अभी भी नहीं गए हो आपके मन से, लेकिन कल के मुकाबले, सॉरी कल नहीं परसों के मुकाबले आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए थोड़े से और? यस सर हो गए। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं एंड लेट अस सी वेदर वी कैन सॉल्व देम और नॉट। फॉर्मूला तो वही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, बस करेक्ट एरो और वेक्टर बनाने की दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, इसके सिंपल क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, न्यूमेरिकल स्टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए बस। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट मिनिमम टाइम टू क्रॉस अ रिवर इज ऑब्टेन्ड when the person steers the boat exactly perpendicular to river velocity। ये कल वाली बात हो गई जो अपन ने डिस्कस की थी, लेकिन कल शायद आपको उतनी क्लैरिटी नहीं थी, आज आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आज अपन इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्रूव करो कि एक आदमी बोट को मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस कराने के लिए इस्तेमाल करे तो वो तब ही हो पाएगा जब वो कोशिश करे कि वो बोट को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे, यानी कि उसकी कंडीशन ये हो गई कि वी बी ऑब्लिक आर शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी बी आर, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, कल मैंने आपको ऐसी कहानी बताई थी, कल नहीं पिछली बार, कि रिवर यहां बह रही है, तो ये आदमी ये भी सोच सकता है यार मैं ऐसे क्यों ना चलूं, अगर मैं ऐसे चलूं तो रिवर की स्पीड मेरे को सहायता देगी और मैं बहुत तेजी से जाऊंगा आगे, लेकिन उस केस में क्या है उसको इतना दूर आना पड़ेगा, तो स्पीड तो ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गई। दूसरा है वो बोले यार मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर जाने की कोशिश करता हूं, अब ऑब्वियस सी बात है वो बह बह के थोड़ा सा आगे चला जाएगा, लेकिन अगर वो कोशिश को परपेंडिकुलर रखे तो उसकी डिस्टेंस कम हो रही है। दूसरा है वो उल्टा चले भाग के इधर को, तो बोले कि यार रिवर तो मेरे को बहा करके थोड़ा सा इधर ले ही आएगी तो मेरा डिस्टेंस वैसे कम हो जाएगा। तो ये कई तरीके से दिमाग लगा सकता है यहां से चलने वाला आदमी, यहां जाऊं सीधे जाऊं इधर को जाऊं इधर को जाऊं, देर आर इन्फाइनाइट डायरेक्शन इन विच द पर्सन कैन चूज टू मूव। नाउ वॉट यू हैव टू प्रूव इज out of all these possible infinite number of directions in which the boat can be steered or driven, the minimum time to cross the river will always be achieved if he tries to keep the boat exactly perpendicular to river velocity. This is the question. ye proof karna hai aapko, to ab dekho iska proof bahut aasan hai. assume that boat is steered at some angle theta to vertical. तो क्या आपने अज्यूम किया कि चलो अपन ये मानते हैं कि बोट वाला कुछ थीटा एंगल पे बोट को ले गया, ये एक जनरल केस ले लिया, ठीक है। तो चूंकि बोट वाला बोट चला रहा है तो मैंने वी बी आर लिख दिया यहां पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बोट मैन इज फीलिंग कि मैं इधर को जा रहा हूं, और ये जो इसकी एंगल है जिसपे ये फील कर रहा है वो थीटा बना रही है, ठीक है, यानी कि उसकी कोशिश है इस दिशा में जाने की, लेकिन वो एक्चुअली जाएगा किस दिशा में, इस पर रिवर वेलोसिटी लगाओ वेक्टर, और ये रिवर वेलोसिटी और वीबीआर का जो रिजल्टेंट है वो निकल के आ जाएगा ट्रायंगल लॉ से वीबी। तो एक्चुअली जो बोट है इधर बाहर खड़े हुए आदमी को दिखेगा कि वो कैसे जा रहा है, वो वीबी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो बोट वाले को लग रहा है मैं तो यहां जा रहा हूं, लेकिन असलियत क्या है यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, वो यहां जा रहा है. दिस इज हाउ ही इज मूविंग एक्चुअली, एंड दैट इज सीन बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द रिवर साइड, नॉट इन द रिवर. तो अब अपन ने क्या किया, अपन ने ये बोला कि टाइम टेकन टू क्रॉस क्या होता है. अब टाइम टेकन टू क्रॉस दो तरीके से निकाल सकते हो साहब, कैसे कैसे निकलेगा. या तो आप ये पूरी लेंथ नापो वी बी के डायरेक्शन की, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की टोटल लेंथ कैसे भी निकाल के लाओ, पता हो चाहे नहीं पता हो, और इस टोटल डिस्टेंस को वी बी से डिवाइड कर दो तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है. दूसरा तरीका है आप वी बी आर की डायरेक्शन में लाइन कंप्लीट करो बैंक तक, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो और उसको एग्जैक्टली वी बी आर से डिवाइड कर दो. क्योंकि देखो डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, जिस दिशा में वेलोसिटी उस दिशा में डिस्टेंस नापो और वेलोसिटी से डिवाइड करो तो टाइम टेकन मिल जाएगा. तो दो चीजें आपने देखी, या तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो और वीबी से डिवाइड कर दो तो टाइम मिल जाएगा, या तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नापो और वीबीआर से डिवाइड करो तो भी वही टाइम मिल जाएगा, या फिर सबसे बेस्ट है मेरे को क्या चीज पता है, ना तो मेरे को ये डिस्टेंस पता है ना मेरे को ये डिस्टेंस पता है. मेरे को कौन सी डिस्टेंस पता है, मेरे को ये डिस्टेंस पता है कि रिवर की चौड़ाई टी है, ठीक है, लेकिन रिवर की चौड़ाई की डायरेक्शन में तो वो बोट वाला जा ही नहीं रहा, वो किधर को जा रहा था, वो तो इधर को जा रहा था. कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट तो ले सकते हो. तो ये बताओ कि वी बी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वी बी आर इन दिस डायरेक्शन. वी बी आर कॉस थीटा. तो अगर डी डिस्टेंस क्रॉस करना है और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी बी आर कॉस थीटा है, तो क्या टाइम टेकन ये होगा कि नहीं होगा, आप बता दो. टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी डी बाय वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है. अब देखो ये टाइम का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, वापस से ये ले लेता हूं. ये रिवर है, यहां से बोट वाला चालू हुआ, ये वी बी की डायरेक्शन है, एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस इज डी वन, ये वी बी आर की डायरेक्शन है, एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस इज डी टू, ये थीटा है, एंड दिस डिस्टेंस इज डी. अब आपसे ये पूछा गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया मेरे को तीन डिस्टेंसेस दिख रही है, वी बी की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस नापी गई, तो मैं कहूंगा कि टाइम टेकन कैन बी कैलकुलेटेड एज डी वन बाय वी बी का मैग्नेट्यूड, इससे टाइम मिल सकता है मेरे को. या फिर वी बी आर की डायरेक्शन में डिस्टेंस नापी तो डी टू डिस्टेंस है, तो यही टाइम मेरे को ऐसे भी मिल जाएगा कि डी टू डिस्टेंस को अगर मैं वी बी आर के मैग्नेट्यूड से डिवाइड करूं तो भी मेरे को ये टाइम मिल जाएगा, या फिर मैं वी बी आर का कंपोनेंट ले लूं इस दिशा में जो कि क्या आता है वी बी आर कॉस थीटा, और इससे डी को डिवाइड कर दूं, यानी कि ये टाइम मुझे इससे भी मिल जाएगा. ये है वेलोसिटी और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट. तो कभी भी आपको टाइम निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी के किसी भी प्रॉब्लम में, तो ये चीज याद रखना कि जिस दिशा में डिस्टेंस नापी जा रही है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन की होनी चाहिए, फिर आप उसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो तो आपको टाइम मिल जाएगा. सो ऑल दीज टाइम्स आर सेम, यानी कि इधर से इधर तक वी बी वेलोसिटी से चले, या इधर से इधर तक वी बी आर वेलोसिटी से चले, या इधर से इधर तक वी बी आर कॉस थीटा वेलोसिटी से चले, सब में टाइम बराबर लगेगा. ये है कॉन्सेप्ट. तो अब आपको जो चीज पता हो इन तीनों में से वो अप्लाई करो और टाइम निकाल लो. तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने देखा कि भाई मेरे को विड्थ ऑफ रिवर पता है, तो मैं उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लूंगा वी बी आर कॉस थीटा. अब अपन को क्या करना है, द क्वेश्चन इज टू प्रूव when the minimum time to cross is taken. अब ये थीटा तो अपन ने जनरल लिया है,
तो ये थीटा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने ये कहा कि अगर इस टाइम टेकन के इक्वेशन को मिनिमाइज करना हो तो क्या करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज करने के लिए देखो डी तो कॉन्स्टेंट है, और ये भी मान लेते हैं कि अपन बोट फिक्स्ड वेलोसिटी से चला रहा है, बोट चलाने वाला, तो वीबीआर फिक्स हो गया, तो डी फिक्स हो गया, वीबीआर फिक्स हो गया, तो टाइम मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज वन और वन और वन, तो थीटा कितना हो गया जीरो। तो थीटा के जीरो होने का मतलब क्या है, द कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज दैट थीटा इज जीरो। तो अब इस फिगर में देख के बताओ कि ये थीटा जीरो होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वीबीआर को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा आपको, वीबीआर मस्ट बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी टू मिनिमाइज द टाइम टेकन टू क्रॉस। सही है कि नहीं है? नहीं हुआ क्लियर? थीटा जीरो तभी तो होगा ना, ये देखो ये वीबीआर यो है तब थीटा बन रहा है, तो वीबीआर को यो लाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल यो रखना पड़ेगा, तभी थीटा जीरो होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। नो आंसर। हाँ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे दिया करो, एक आध जना कोई भी है ना, अगर कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो, वरना मेरे को, क्योंकि मैं आप लोगों को तो देख नहीं पा रहा हूँ, सो आई नेवर नो कि वेदर यू आर गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड और वेदर यू आर गेनिंग क्लैरिटी। ठीक है, नेटवर्क बहुत खराब है इसमें भी है, क्या हो गया? एनीवे अपन ने अपने एक नई चीज सीख ली कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस इज ऑब्टेन्ड व्हेन वीबीआर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू रिवर। ठीक है, नॉट वीबी, वीबीआर हैज टू बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू रिवर। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम आईआईटी जेई, वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन आज जो अपन ने जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं पूरा क्लास डिवोट करके, इनको क्लियर किए बगैर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। एनीवे लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो अब मेरे को यहां बिड़ते ही बता दो ये 5 किलोमीटर पर आवर कौन सी चीज है, वीबी है या वीबीआर है? सर वीबी। नो, दिस इज वीबीआर। ये नहीं पढ़ा आपने, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वॉटर, यानी कि जब पानी खड़ा हो तब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। और वीबी कब आती है, जब रिवर भी चल रहा हो और बोट भी चल रही हो, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनता है वो वीबी है। तो ये तो कभी फिक्स हो ही नहीं सकती ना, या तो नदी की वेलोसिटी चेंज हो जाए या बोट चलाने वाले की वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो इन दोनों के चेंज होने के साथ ये वीबी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वीबी जो है वो वीआर और वीबीआर का रिजल्टेंट है। कभी भी अगर स्टिल वाटर में वेलोसिटी दे रखी हो तो आंख बंद करके वीबीआर है वो, ये देख लो यहां पे मैंने लिख भी रखा है। It can also be understood as the velocity of boat when river is not flowing, that is in still water. ठीक है, क्योंकि एक बोट जो चला रहा है नदी पे, उसको नदी की स्पीड नहीं दिख रही, उसको तो ऐसा लग रहा है कि नदी तो खड़ी है, बस मैं नदी पे चल रहा हूं, तो उसके लिए रिवर वेलोसिटी जीरो नजर आती है उस आदमी को। So whenever the speed of a boat is given for still water, it must always be taken as VBR. ठीक है? तो अब ये हो गया VBR है। अब ये बोल रहा है कि it has to cross a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. ठीक है? यानी कि ये बोल रहा है
कि बोट उस रास्ते पे चलनी चाहिए जो कि सबसे छोटा रास्ता है रिवर को क्रॉस करने का। ठीक है, अब मैं एक वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं और आप मेरे को देख के बताना ये सही बनाया गया मैंने। वापस से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ये बोल रहा है बोट हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे लिख दो VBR। 1 किलोमीटर रिवर की विड्थ है, यानी कि अक्रॉस मेजरिंग इट दिस इज 1 किलोमीटर। एंड नाउ द बोट हैज टू बी टेकन अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर? ठीक है, फिगर पे आते हैं। देखो, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट अलग है और शॉर्टेस्ट पाथ अलग है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल परपेंडिकुलर ले जाओगे नदी के तो ही सबसे छोटा पाथ बनता है। अब ये बताओ, द बोट हैज टू बी टेकन अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसके अलोंग VBR रखूंगा मैं या VB रखूंगा? सोच के बताओ। सर एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, अब की बार आपको VB रखना पड़ेगा, VBR नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसके पहले वाली कहानी याद होनी चाहिए कि VBR अगर इस दिशा में रखता है तो ये तो सिर्फ उस आदमी को लग रहा है कि वो ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली कौन सा पाथ है बोट का, एक्चुअल पाथ ऑफ बोट तो यूं हो जाती है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर को है और वेलोसिटी ऑफ बोट का जो एक्चुअल पाथ है, यानी कि बाहर खड़ा हुआ आदमी देखेगा इसकी सच्चाई कि इसने एक्चुअली क्या शॉर्टेस्ट पाथ लिया, क्या नहीं लिया, ये यहां चला गया। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको टाइम मिनिमाइज करने के लिए कोई नहीं कह रहा। टाइम मिनिमम कब होगा? जब वो एक्चुअल उसकी पाथ ऐसे हो तभी टाइम मिनिमम होगा, यानी कि टाइम मिनिमम तब होता है जब VBR को परपेंडिकुलर रखने की कोशिश की जाए, तभी टाइम सर मिनिमम होता है। हाँ सर लेकिन वाटर तो स्टिल है, तो अगर सीधी डायरेक्शन में VBR जाएगा तो ना 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 VB का ना तो ना टाइम ना, मिनिमम। आप क्वेश्चन को गलत समझे। इसने ये एक एडिशनल डेटा दिया है कि अगर पानी स्टिल होती तो उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की, ठीक है, लेकिन एक्चुअली रिवर तो बह रहा है। फिर ये बोल रहा है कि अब ऐसी बोट जो कि खड़े पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, उस बोट को रिवर में उतारा गया, लेकिन रिवर तो चल रही है। और इसीलिए ही तो एंड में आपसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। ये देखो, तो रिवर चल रही है और चलती रिवर में ऐसी बोट को उतारा गया जो कि खड़े पानी में 5 की गति से चलती हो, और 1 किलोमीटर उस रिवर की चौड़ाई है और उसको क्रॉस करने में 15 मिनट लगे जब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लिया गया। तो अब आपको बताना है कि अगर ऐसा हुआ तो बताओ कि रिवर वेलोसिटी कितनी है। ये है गेम, ठीक है। तो ये देखो, मिनिमम टाइम लेने के लिए बोट का पाथ ऐसा रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट लेने के लिए बोट का पाथ ऐसा रहेगा। ये दो चीजें हैं भाई, इसको अगर आप याद रख सको तो याद रख लो, ये बेटर है। ये जो सिनारियो है जिसमें VBR रिवर के परपेंडिकुलर है लेकिन एक्चुअल पाथ ऑफ बोट टेढ़ी है, इसमें तो मिनिमम टाइम लगता है। और ये जो सिनारियो है जिसमें कि आपकी बोट को सीधा एक्चुअली मेंटेन किया गया, यानी कि बोट एक्चुअली यों चलती हुई नजर आएगी बाहर खड़े आदमी को, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिवर के रेस्पेक्ट में आदमी को यों जाना पड़ेगा। सो योर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये दो केस है, दिस इज शॉर्टेस्ट टाइम केस एंड दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ केस। ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वेक्टर डायग्राम है और ये मिनिमम टाइम के लिए वेक्टर डायग्राम है, ठीक है। तो वी बी को अब आप कैसे समझ सकते हो? वी बी वो दिशा है जिसमें एक्चुअली बोट चलती है,
यानी कि रियलिटी ऑफ बोट वीबी है, और वीबीआर क्या है, बोट चलाने वाले का एहसास है। ठीक है, तो अगर बोट चलाने वाले का एहसास ऐसा है कि वो परपेंडिकुलर जा रहा है, तब तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली जाता कहां पर है, वो यों जाता है। अब अगर आप ये कहो कि भाई बोट ऐसे चला जिससे कि तेरी बोट बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ पे चले, तो बोट चलाने वाले को यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिवर उसको धक्का देकर के इस पाथ पे ले आएगी, तब उसका शॉर्टेस्ट पाथ अपने आप बन जाएगा। तो पाथ हमेशा वीबी सेट करता है और टाइम हमेशा वीबीआर सेट करता है, ये याद रख ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको करेक्ट वेक्टर डायग्राम चूज करने की देर है। ठीक है, क्या बोला, रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर है, आदमी को शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है, तो आप कुछ मत सोचो, सीधे वीबी को परपेंडिकुलर रखो, यो जाना है उसको। तो वो जाने की कोशिश कैसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा जैसे दिखा रखा है, वो कैसे कोशिश करेगा, वो यो जाएगा। तो ये हो गया वीबीआर, यानी कि आदमी को बोट जिस दिशा में ले जानी है वो तो वीबीआर हो गया, वीआर तो कॉन्स्टेंटली बह रही है और वी आर उसकी कोशिशों पे पानी फेर देगी, वो क्या होगा, उसको सीधे ले आएगी। ये है कॉन्सेप्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ से लाने के लिए वी बी इज हियर, वी बी आर हैज टू बी ऑपोजिट टू द रिवर लाइक दिस, एंड वी आर एज ऑलवेज इज फ्लोइंग अनइंटरप्टेड। ठीक है, अब इसको एक थीटा नाम दे दो, क्योंकि ये पता नहीं अपने को, अपने को क्या पूछा गया कि भाई ऐसा करने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय वीबी इज इक्वल टू 15, सही है क्या, 15 मिनट्स, लेकिन वेलोसिटीज जो है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो 15 मिनट्स है तो डिवाइडेड बाय 60 कर देता हूं आवर्स, ये सही है क्या, देख के बता दो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लूंगा मैं, इसीलिए मैंने वी बी लिया है। अगर मेरे को वी बी आर लेना होता तो मेरे को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये तो पता ही नहीं मेरे को, तो इसीलिए मैंने वो दिशा ले ली और वो वेलोसिटी ले ली जो दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो, तो डी बी इसी डायरेक्शन में है, वी बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वी बी is the time taken, और जैसा कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मिनट, यानी कि 15 by 60 hours। ठीक है, तो 1 by vb is equal to 15 by 60 hours, और सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर हो गई कि नहीं हो गई, बता दो। देख के बताओ सही है कि नहीं है, क्या वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट 4 किलोमीटर पर आवर हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये तो पूछा नहीं अपन से, अपन से क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछी है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे ला सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर कैन बी फाउंड, सर वी आर पता है, वी भी पता है, तो वी आर फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। हाँ, अभी देखो, वी बी टेन थीटा वी आर है क्या, फिगर में देख के बता दो, लुक एट द फिगर एंड टेल मी, कैन आई राइट वी आर एज वी बी टेन थीटा, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे को थीटा पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं, वी बी आर कितनी दे रखी है प्रॉब्लम में, फाइव किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है सर। हाँ सर, तो अपन इसमें वी आर
निकालने के लिए पहले थीटा निकालेंगे वी आर और वी बी से, और फिर उसके बाद में थीटा की वैल्यू इसमें रख के फिर वी आर निकालेंगे। इससे अच्छा अपन ऐसे नहीं कर सकते ट्रायंगल लॉ लगा के? ट्रायंगल लॉ लगा लो, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट ये लगा लो, आपको वी भी पता है और वी आर पता है, तो ऐसे कर लो, चलो वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी बी आर का स्क्वायर माइनस वी बी का स्क्वायर, ऐसे कर लो, सेम जैसे आपकी इच्छा है। देखो प्रॉब्लम बस इतनी सी है, आपको कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो गया आपका, ये जो वेक्टर डायग्राम है ना, ये अगर आपने बना लिया तो आप इसको अपने आप सॉल्व कर लो, जैसे भी कर सकते हो। वीबी पता लग गई, वीआर पता करना है, वीबीआर पता है, ये 90 डिग्री है, बस कैसे भी कर लो। मैं थीटा करके कर रहा था, आप ऐसे कर लो, ओके सर, ठीक है? चलो आज तो अपन यही स्टॉप कर लेते हैं, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भावी कट्टी का एग्जाम्पल 13.6 है, ठीक है? आज जो कॉन्सेप्ट सिखा है इससे इसको एक बार ट्राई करो। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन और अपन रिलेटिव वेलोसिटी को दे सकें, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एग्जाम्पल 13.6 करने के, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, दोज हु आर इंट्रीग्ड बाय द नोशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, प्लीज गिव मी अ कॉल बिफोर 8 PM एट नाइट। कभी भी जब आप फ्री हो जाओ और आपका मूड हो कि यार ये रिलेटिव वेलोसिटी तो समझ के छोड़ूंगा, तो आप मेरे को एक कॉल दो, वी विल गेट इनटू अ पर्सनल मीटिंग एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आई विल टेक योर अटेंडेंस।